हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे कमोडिटीज़ की अपडेट्स। कमोडिटीज़ की अपडेट्स के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने कल क्या रणनीति बनाई थी, कल क्या हुआ, एक उसका ओवरव्यू कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। क्रूड में कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, नेचुरल गैस हमारे पास कुछ भी नहीं था, गोल्ड में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था, सिल्वर में एक एग्जीक्यूशन हुआ था हमारे पास, कॉपर में एग्जीक्यूशन हुआ था, लेकिन मैंने आप लोगों को स्पेसिफाई कर दिया था कि भाई मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस शीट में नहीं लूँगा। और एक यूएसडी आईएनआर का एग्जीक्यूशन हुआ था 77 में, तो यूएसडी आईएनआर का जो पहला टारगेट था 76-70 का, वो तो अचीव हो गया, अभी 76-67 चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इसमें आधा 50% और 60% मुनाफा ले लिया होगा। मैं भी अपने 5 लॉट में से 3 लॉट का प्रॉफिट 76-70 पे ले लूँगा, बाकी 2 लॉट को होल्ड करूँगा। बाकी हमारे पास कोई पोजीशन ओपन नहीं थी, ना ही क्रूड ऑयल में, ना ही नेचुरल गैस में, ना ही गोल्ड में, सिल्वर में थी और यूएसडी आईएनआर में थी। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ। सिल्वर में तो आज भयंकर मुनाफा हो गया होगा, 43,500 रुपये का मुनाफा, एक लॉट मिनी में 2,500 रुपये का मुनाफा, 2 लॉट मिनी में 5,000 रुपये का मुनाफा, एक बड़े लॉट में 15,000 रुपये का मुनाफा। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी ओपन मार्केट में हमारे पास कोई भी पोजीशन नहीं है। सिल्वर में प्रॉफिट बुक करवा चुका हूँ, आईएनआर यूएसडी आईएनआर में 60% प्रॉफिट बुक हो चुका है, 60-70%। अब आगे की क्या रणनीति बन के आ रही है उस पर बातचीत करूँगा। 1515 चल रहा है क्रूड ऑयल, अभी चल रहा है 10:15, 17 अप्रैल, आज शुक्रवार है, वीकली कारोबारी का आखिरी दिन है। 1512 का लो पोस्ट किया है, 1590 का इसने हाई पोस्ट किया है, इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 1505, मंडे को इसकी एक्सपायरी है, 1505 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, 1444 का सपोर्ट निकल के आ रहा है और 1380 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, 1505, 1444, 1380 के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, 1630, 1680। मेरी तरफ से इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीकली कारोबारी दिन का आखिरी दिन है और मंडे को इसकी एक्सपायरी भी है, तो जो भी करेंगे अब नए वायदे में करेंगे और मंडे से करेंगे, ज़्यादा बेटर है, वीकेंड आ रहा है, आराम से फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। दूसरा नेचुरल गैस अभी चल रही है 131, नेचुरल गैस के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 128.50, 125.50, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 131.70 और 137.70 के बाद इसका सीधा रेजिस्टेंस निकल के आता है 134.50 का भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 134.50, तो इसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे 131.70, 134.50 और 138.50 के। अब नेचुरल गैस में करना क्या है, नेचुरल गैस अगर आप लोगों को 128-129 के आसपास मिले तो बाय इनिशिएट करिए, 125.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट 134.50 और 138.50 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 130-150 का टारगेट नहीं रखते, अगर 130-150 का टारगेट रखेंगे तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, ऑलमोस्ट दैट विल बी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। तो 128-129 के आसपास मिलता है तो 125.50 के स्टॉप लॉस पोजिशन में बिल्टअप करेंगे और 134.50-138.50 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। बात करता हूँ गोल्ड की, गोल्ड अभी चल रहा है 46,100, गोल्ड के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 45,900, 45,400 और 45,100, रजिस्ट्रेंस निकल के आ रहे हैं 46,500, 47,800। गोल्ड से तो दूरी रहो भैया, प्रॉफिट बुकिंग लग रही थी, कल भी आप लोगों को कहा था सेल करने का, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था और अपनी जितनी भी शीट्स मैं शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सबको बोला था प्रॉफिट बुकिंग अब बाय करके काम नहीं करना है, अगर बाय पड़ा हुआ है तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लो, अगर हायर रेंज में अपने लेवल पे आता है तो माल ठोकेंगे, नहीं तो इंतज़ार करेंगे। दूसरा सिल्वर अभी चल रही है 43,450, सिल्वर के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 43,300, 42,500, रजिस्ट्रेंस निकल के आ रहे हैं 43,650, 43,900। अगर आप लोगों को 43,600, 43,800 यानी 600-800 रुपये की रेंज में माल मिलता है तो सेल करिए, 44,000 रुपये का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके टारगेट 42,300 और 42,500 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 43,300। तो सिल्वर की रणनीति भी क्लियर है। बात करता हूँ कॉपर की, कॉपर अभी चल रही है 403.40 रुपये, कॉपर के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 397, 394.50, 390, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 405, 412,
इसका जो हाई पोस्ट हुआ है आज, हाई पोस्ट हुआ है 40415 का, लो पोस्ट हुआ है 402 का। तो कॉपर में भी ये वीक जाने दो, अब इतना तो पेन ले ही लिया आप लोगों ने। ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं करना है, कूद कूद के बाय सेल नहीं करना है, लिवरेज इस्तेमाल नहीं करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है, रहना है कायदे में, तभी होगा फ़ायदा। बात करता हूँ यूएसडी आईएनआर की। लो यूएसडी आईएनआर नीचे आ गया, 7661 चल रहा है अभी, 7660 का इसका सपोर्ट है, 7653 का सपोर्ट है, 7640 का सपोर्ट है, 7680 का रेजिस्टेंस है, 77 का रेजिस्टेंस है। तो जो कोई भी आईएनआर में 40 पैसा निकालना बोले तो आधा टक्का निकालना बोले तो बहुत बड़ी बात होती है आईएनआर वगैरह में। ऐसे आईएनआर इतनी जल्दी जल्दी नहीं चलता है, तो आईएनआर में एंट्री अगर सही पॉइंट में होगी तो आप लोगों को एग्जिट बहुत फास्ट मिलेगी। वेट करके एंट्री करो, ना कि लेने के बाद एंट्री करो मार्केट में। तो क्रूड में कोई एंट्री नहीं लूँगा मैं अपनी परफॉर्मेंस शीट में, नेचुरल गैस अगर आती है तो परफॉर्मेंस शीट में एंट्री लूँगा, सिल्वर अगर अपनी शीट में, सिल्वर अगर अपनी रेंज में आती है तो एक वापस से दो मिनी की एंट्री लूँगा, दो सिल्वर मिनी की। कॉपर की कोई एंट्री नहीं लूँगा, यूएसडी आईएनआर हमारे पास ओपन पोजिशन है। क्रूड का ओवरऑल ट्रेंड अभी तक तो डाउन है, हो सकता है कि मंडे से थोड़ा सा ध्यान बदलना चालू हो जाए अगले वायदे के लिए। नेचुरल गैस माइल्डली बुलिश है, गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी है जो अभी चल रही है, सिल्वर में भी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी है, कॉपर साइडवेज है और यूएसडी आईएनआर में भी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो मैं जो एंट्री लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ सिर्फ सिल्वर की और नेचुरल गैस की। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी सोशल मीडिया की लिंक्स होती है, आप चाहें तो वहाँ पर आके हम लोगों से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सिर्फ आपके और आपके लिए परफॉर्मेंस शीट का लिंक दिया होता है जिसको आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है, आप उसको चाहें तो क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरे बताई हुई रणनीतियों को। नीचे कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक का फॉर्म होता है, आप लोगों से निवेदन है कि उस फीडबैक का फॉर्म को भर के भेजिए ताकि हम अपनी सर्विसेज में और सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।